गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। इंग्लिश का बेटा ये है, आपको फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे राइट करना है। आपको सिर्फ स्टोरी में पूरी पूरी लाइंस है वही उसमें से ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। लाइक फर्स्ट है हमारा मिस्टर शर्मा इज प्रियाज। मिस्टर शर्मा कौन थे? प्रिया के अंकल, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? अंकल। ही इज़ हर ग्रैंडफादर्स। वो उसके ग्रैंडफादर के कौन थे? फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रेंड। प्रिया लॉस इज वन। प्रिया को क्या लॉस हुआ था? उसका क्या गुम हुआ था? टूथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? टूथ। ऐसे ही डी, मिस्टर शर्मा जोक्स डैट अ डैश टेक इट अवे। मिस्टर शर्मा ने क्या जोक किया था कि कौन ले गया उसका दांत? कौन ले गया? माउस, है ना? ऐसे ही आपको ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे पिक करना है। शी फील्स, उसको कैसा फील हुआ था? अनहैप्पी। कैसा फील हुआ था? अनहैप्पी, सैड हो गई थी ना वो। तो ये ई तक हो गए। आगे वाले आप एक बार अपने आप ट्राई करना ढूंढने की कि कहाँ पे क्या आएगा। वन वर्ड ही है जो लिखना है आपने, तो ऐसे ही वन वन वर्ड के आप उसमें स्टोरी में से ढूंढ के यहाँ पे ट्राई कर लेना। इससे क्या होगा बेटा, एक तो आपकी स्टोरी भी रिकॉल हो जाएगी दोबारा से, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि क्या था, हमने स्टोरी में क्या किया था। ठीक है, हो जाएगा ना? नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, फिर मैं आपको समझा दूंगी कि कहाँ पे क्या आएगा, वो आपको बता दूंगी। इसके बाद हमें दे रखा है वर्ड चेक। लाइक हमने क्या करना है? ब्रेक द गिवन वर्ड्स इंटू टू स्मॉलर वर्ड्स। ये जो आपको एक वर्ड बना के दे रखा है ना, हमने इनके दो अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर देना है। लाइक फर्स्ट है टूथब्रश। टूथब्रश को आप कैसे डिवाइड करोगे? कैसे करोगे? फर्स्ट वर्ड हो जाएगा टूथ और सेकेंड वर्ड हो जाएगा ब्रश। ठीक है, नेक्स्ट इज टूथपेस्ट। तो इसको भी ऐसे ही सेम, फर्स्ट वर्ड टूथ और सेकेंड पेस्ट। देन टूथपिक, इसको कैसे करोगे? टूथ एंड पिक, अलग अलग वर्ड्स हो गए ना। टूथ एक, एक मतलब दर्द होना, तो इसको कैसे करोगे? टूथ और एक अलग में। टूथलेस, ये भी सेम, फर्स्ट वर्ड टूथ और लास्ट वर्ड लेस। ठीक है, तो आपने ये दो करना। आपका होमवर्क क्या है? एक कंसेप्ट चेक और एक वर्ड चेक। ये दोनों पार्ट्स आपने अपने इसके स्टोरी के करने हैं। ठीक है बच्चा, कुछ समझ नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर, और इसको अच्छे से ध्यान से करना। ठीक है बच्चा, बाय बाय।